नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शर्मा एसएस म्यूजिक वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये जो न्यूमेरिक बटन है, बहुत सारे कीबोर्ड्स में आपने देखा होगा, जैसे कि जूनो डी आई, एक्सपीएस 10 या एक्सपीएस 30 या और कोई अदर कीबोर्ड्स। तो इस न्यूमेरिक बटन का काम क्या है, बहुत से लोगों ने कमेंट्स में और मैसेज में पूछा था, तो मैं आज वीडियो इसी पे बनाने जा रहा हूँ। नॉर्मली अपन टोन्स बैंक में रजिस्टर करके और बैंक चेंज करके और अपन लाइव परफॉर्मेंस में टोन्स अपन यूज़ करते हैं, यानी बैंक के थ्रू। लेकिन न्यूमेरिक बटन का काम यह है कि जैसे अपन जिस संख्या पे टोन रजिस्टर्ड है वो संख्या अपन एंटर करके और उस पर एंटर बटन दबाएंगे तो अपनी वो टोन आ जाएगी। चलिए मैं यह करके दिखाता हूँ। और अभी मेरे पास रोलैंड का जूनो डी आई कीबोर्ड है। दोस्तों, रोलैंड जूनो डी आई में यूजर्स टोन जो है वो 500 से चालू होती है। अब जैसा कि ये मैं न्यूमेरिक बटन दबा के मेरे 511 पे अगर कोई टोन है तो मैं 511 एंटर करता हूँ मैं, और अब एंटर पर क्लिक करता हूँ तो ये अब जो मेरी टोन बज रही है 511 नंबर की बज रही है। अब वापस अगर मुझे टोन चेंज करनी है, जैसे कि मैं 510 वाली जो टोन मुझे वापस लानी है, तो मैं वापस 510 नंबर दबाऊँगा। ये 510 नंबर दबा के और फिर मैं एंटर करूँगा तो अब जो मेरी टोन बजी वो 510 नंबर। तो जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि न्यूमेरिक जो बटन है कीबोर्ड्स में होता है वो बहुत ही यूजफुल स्विच है। यदि किसी कारण से अपना कीबोर्ड का फेवरेट बटन या बैंक बटन काम करना बंद कर दे तो लाइव परफॉर्मेंस में अपन न्यूमेरिक बटन का यूज़ करके टोन्स चेंज कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको टोन्स के नंबर याद रखना ज़रूरी होगा इस चीज़ के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।